देखिए आज हम आपको सोया चिली की रेसिपी बनाकर दिखाते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद होती है, ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये हम घर पर बाजार से बढ़िया बनाकर दिखाएंगे। देखिए कितने कलर किसका कितना बढ़िया है, देखिए किस तरह से बनाई जाती है, और देखिए इसकी ग्रेवी कितनी बढ़िया है। देखिए बिल्कुल बाजार से भी बढ़िया घर पर बनकर तैयार हो गई है हमारी ये। आइए आज हम बनाकर दिखाते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, कंसल रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको सोया चिली बनाकर दिखाएंगे। देखिए हमने सोया बीन ले ली है, मोटी वाली है हमारी, एक प्लेट में उबालेंगे। देखिए हमने गैस पे पानी पहले से रख दिया था उबलने के लिए, पानी में हमारा उबाल आ गया है, हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। ये सभी को हमने उबलने के लिए रख दिया है। इसमें आधी चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधी चम्मच नमक डाल देंगे, इसे हमारी अच्छे से उबल जाएंगी। देखिए इसमें एक या दो उबाल लगाएंगे और गैस ऑफ कर देंगे, हमारे अच्छे से फूल जाएंगे। गैस ऑफ कर दिया हमने, हमारी सोयाबीन उबल गई है, हम इसे छान लेंगे। ठंडी हो गई, इसे दो तीन पानी से हमने वॉश कर लिया अच्छे से, हम इन्हें निचोड़ निचोड़ के निकालेंगे। देखिए इस तरह से हाथों से निचोड़ लेंगे, निचोड़ लेंगे जितनी आपसे निचड़ेगी हाथ से, सभी को इस तरह से हाथ से निचोड़ लेंगे। दूसरे बर्तन में डालते जाएंगे। फिर हमने अच्छे से निचोड़ लिया है, इसमें हम अरारोट पाउडर डालेंगे। आप इसमें कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए एक चम्मच हम डाल देंगे इसमें, इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। देखिए आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, एक पिंच हींग डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, आधी चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। देखिए एक चम्मच हम दही डालेंगे इसमें, एक से डेढ़ चम्मच। सभी मसालों को हाथ से मिक्स करेंगे। देखिए हमारे मसालों की अच्छे से कोटिंग हो जाएगी, हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। हमने ये सब्जियां काट ली हैं, ये हमने टमाटर काट लिया है, ये हमने शिमला मिर्च काट ली है चौड़ी चौड़ी, ये हमने प्याज काट ली है, इसी तरह से हमें काटनी है, इसमें हमने तैयार करके रख लिए हैं। मिर्च को हमने काट लिया है दो तीन को, ये हमने अदरक भी ले लिया है, कद्दूकस कर लिया है इसको हमने, ये हमने प्याज ले लिया है, इसके डंडिया को हमने काट लिया है। सोयाबीन को हमारे 5 मिनट हो गए रेस्ट करे हुए, हम इन्हें अच्छे से भूनेंगे। देखिए कढ़ाई में हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, हमें अच्छे से भूनेंगे, आंच को मीडियम रखेंगे। देखिए इस तरह से हम धीमी आंच में भूनेंगे, आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हम सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में डालेंगे क्योंकि हेल्दी बना रहे हैं, आप डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं, लेकिन लाल होने तक अच्छे से भूनेंगे। देखिए सोयाबीन हमारी अच्छे से भुन गई है, बिल्कुल लाल हो गई है, अब इन्हें निकाल लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, इसमें हम प्याज डाल देंगे और शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। इन्हें हल्का सा भूनेंगे, टमाटर को भी डाल देंगे, देखिए सोया सॉस ले ली हमने, उसमें सोया सॉस डालेंगे 2 चम्मच, 2 चम्मच विनेगर डालेंगे, टमाटर सॉस डालेंगे इसमें आधी कटोरी, इन्हें भूनेंगे अच्छे से। हमारे अच्छे से भून गई मैगी, तो हम इसमें सोयाबीन डाल देंगे,
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने कटोरी से पानी डाल दिया है। हमें 2-3 मिनट पकाएंगे। देखिए कितने अच्छे से पक गई है। 2 मिनट हो गई है हमारे पकते हुए। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। आप जितनी गाढ़ी या पतली बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से बना सकते हैं, या बिल्कुल सूखी खाना चाहते हैं। इसमें आधी चम्मच हम चीनी ऐड करेंगे क्योंकि हल्की से हमें मीठी अच्छी लगती है। देखिए ग्रेवी वाली हमारी सोयाबीन एकदम बनकर तैयार हो गई है। कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। आप इसे गाढ़ी ज़्यादा करना चाहते हैं तो और पका सकते हैं, अगर ऐसे खाना चाहते हैं तो आप ऐसे बंद कर सकते हैं। हम इसे भी इसी तरह रखना करना चाहेंगे तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमारी सोयाबीन एकदम बनकर तैयार है। परसों ही पहले प्याज डालेंगे इसको। देखिए कितनी अच्छी हमारी बच्चे रेडी हो गई है। हम गार्निश कर देंगे। अब हमें से तैयार हो गई है, हमें सर्व करके दिखाएंगे। देखिए सोयाबीन हमारी बनकर तैयार है। धनिया से हम गार्निश करेंगे। परसों प्याज डालेंगे। हरी प्याज जो होती है हमारी सोया चिली बनके तैयार है, ग्रेवी वाली। आप इसे कितनी पतली या गाढ़ी बना सकते हैं। देखिए कितनी टेस्टी बनी है। इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। अगर आपको हमारी रेसिपी सोयाबीन की अच्छी लगी है तो आप इस तरह से बनाएं और खाएं, बच्चों को बड़ों को सबको खिलाएं। देखिए किस तरह से बनाई जाती है। हमारी वीडियो शेयर लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नई नई हमारी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।